Former minister and JDU MLA Shyam Rajak, who is said to be miffed with his party over being dropped from Nitish's new cabinet and boycotted the swearing-in function, today congratulated the new ministers. Speaking exclusively to NNIS, Rajak said he believes in serving people and will not be bogged down by exclusion from the cabinet. नई टीम बनी है आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, अनुभवी और नई ऊर्जा के सम्मिश्रण से बनी है। मैं इन पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूं, और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि नई टीम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार को सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का काम करेगी। देखिए, मंत्रिपरिषद का गठन में बहुत सारे चीज़ों को विचार करके मुख्यमंत्री जी को तय करना होता है, तो इसलिए होना न होना ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि जिस संकल्पों को लेकर के बिहार की जनता ने 178 सीटों से ज़्यादा जिताने का काम की है, और उस संकल्प है जो 7 विजन है, उस विजन को लागू कर करके बिहार के सबसे पीछे पायदान पर जिसकी कल्पना हमारे पूर्वज या पहिसी लोग करते रहे, उस तक पहुंचाना ये हमारे लिए सबसे अहम है। देखिए, लोग जुड़े रहते हैं तो उनके लिए सुख और दुख हो सकता है। श्याम रजक के लिए हम चंद्रशेखर जी और लोकनायक जयप्रकाश जी से राजनीति सीखे हैं। हमारे लिए सुख और दुख, लाभ हानि वो महत्वपूर्ण नहीं है। हम तो सेवा के भाव से काम करते हैं। मेरे जीवन का अंतिम पैदान तक हम सेवा करते रहेंगे। Powered by NNIS.